गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूजल सप्ताह के समापन कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा जल है प्रकृति की अमूल्य संपदा, हमें इसके संरक्षण की करनी होगी चिंता। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मोहद्दीपुर स्थित रियाज ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का किया गया निरीक्षण। कोविड 19 के मानक के अनुरूप पाई गई विभिन्न कमियां, अस्पताल के ओटी और ओपीडी को किया गया सील। गोरखपुर जिले में मंगलवार को पाए गए 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज, संक्रमितों में गोरखपुर जिले के कोरोना सेल के नोडल अधिकारी सीओ गोरखनाथ भी शामिल। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1275। अब तक कोरोना संक्रमित 30 मरीजों का इलाज के दौरान हो चुकी है मौत, एक्टिव मरीज है 575। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। सिटी मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण के दौरान मास्क न लगाने और बिना कारण घूम रहे 30 लोगों का चालान करते हुए वसूला 5000 रुपए का जुर्माना। रोस्टर के अनुसार खुली दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सही से न होने पर दुकानदारों को दी कड़ी चेतावनी। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपने 5 मोबाइल वैन और PSC CSC के माध्यम से लगातार करा रही कोविड 19 की जांच। ज्यादा जांचें होने से जिले में बढ़ रही मरीजों की संख्या। कैंट सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते को कराया जा रहे 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स का प्रशिक्षण हुआ संपन्न। SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा शेरनी दस्ता पीड़ितों को न्याय दिलाने में निभाएगी अहम भूमिका। SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने थाना गोरखनाथ में 2 पुलिस कर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने पर गोरखनाथ थाने को 48 घंटे के लिए किया सील, कहा संख्या कम नहीं होगी तो बढ़ाया जा सकता है थाना शाहपुर और थाना गोरखनाथ में लॉकडाउन की अवधि। लॉकडाउन लगने के बाद गोरखनाथ और शाहपुर थाना क्षेत्र के सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। SDM सदर ने की अपील, बिना जरूरत के घरों से ना निकले बाहर। और सेंट जोसेफ स्कूल पर फीस को लेकर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया आरोप, कहा फीस जमा करने का दबाव बना रहा है स्कूल प्रबंधन। जबकि प्रधानाचार्य ने किया खंडन, कहा नहीं है कोई दबाव, अपनी सुविधा के अनुसार फीस जमा कर सकते हैं अभिभावक।